नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए मित्रों, अधिक देर न करते हुए शुरू करते हैं माय लाइफ शब्दों में भाग 17। तो इसके पहले के वीडियो में मित्रों मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से मेरे ब्रदर ने सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे मुंबई भेज दिए और वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के और मैं गया कॉलेज एडमिशन के लिए। और जैसे ही मैं प्रिंसिपल की ऑफिस में एंटर होने वाला था कि सामने से गैलरी में चल करके आते हुए मुझे दिखाई दिए भीमसेन जी। जी हाँ मित्रों, यही था मेरा सबसे बड़ा सरप्राइज उस दिन का। भीमसेन जी को वहां पर देख करके मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ। मुझे बहुत बुरा नहीं लगा, कोई बहुत अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन हाँ मुझे आश्चर्य हुआ। और जब भीमसेन जी ने आकर के मुझे बताया कि एक हफ्ते पहले ही वो यहाँ पर आ चुके हैं, उनका एडमिशन हो गया, वो यहीं पर रह रहे हैं, तो थोड़ा सा दुख भी हुआ कि भीमसेन जी मुझे कॉल करके और इस बात को इन्फॉर्म कर सकते थे कि मैं वहां पर आ चुका हूं। क्योंकि जब भीमसेन गांव जा रहे थे तो मैंने महंत जी से वहां का नंबर लेकर के भीमसेन को दिया था कि किसी भी तरह की कोई जरूरत पड़ जाए तो मुझे फोन करके और इन्फॉर्म कर सकते हैं। और छात्रावास में वहीं पर पब्लिक टेलीफोन बूथ भी था, तो मुझे लगा कि भीमसेन को मुझे ये सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन फिर मैंने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि भीमसेन जी का स्वभाव ही थोड़ा सा भीमसेन जैसा था। तो मुझे लगा इनको लगा होगा कि मैं तो देर सवेर आऊंगा तो यहीं मुलाकात हो जाएगी, मैंने इस बात को बहुत गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। और ऑफिस में जाकर के अपने एडमिशन से रिलेटेड जो भी प्रोसेस था उसे पूरा किया। और उसके बाद फिर भीमसेन जी मुझे ग्रैंड रोड स्टेशन तक छोड़ने आए क्योंकि मैं सारा सामान लेकर के अभी शिफ्ट नहीं हुआ था, आज मैं केवल पेपर वर्क के लिए यहां पर आया था। मैं आश्रम पहुंचा, आश्रम पहुंच करके और मैंने महंत जी को बताया कि इस प्रकार से मेरा एडमिशन हो गया और सारा प्रोसेस हो चुका है और कल मैं यहां से मूव कर जाऊंगा। तो महंत जी ने एक प्रस्ताव दिया मुझे कि ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम रहने की व्यवस्था इसी आश्रम में रखो और डेली चले जाया करो अपनी क्लासेस के लिए, क्योंकि मेरी क्लास का जो टाइम था वो 1 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का था। तो मुझे भी लगा एक पल के लिए कि हाँ बहुत अच्छा प्रस्ताव है, सुबह यहाँ पर रुद्राभिषेक वगैरह करके और मैं चला जाऊंगा और शाम को वापस आ जाया करूंगा, तो यहाँ रहूंगा तो रहना भी फ्री हो जाएगा और खाना भी फ्री हो जाएगा और उसके अलावा कुछ ना कुछ मुझे धन की भी प्राप्ति होगी। फिर दूसरे पल मुझे लगा कि नहीं, ये जल्दबाजी का निर्णय होगा, तो मैंने महंत जी से रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा कि इस संदर्भ में हम कल बात करेंगे और अभी मैं कुछ निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ। महंत जी ने कहा कि हाँ जाओ, अच्छे से विचार करना इस विषय पर। तो रात में जब मैंने इस पर विचार किया तो मुझे लगा उम्र के हर पड़ाव का अपना एक मकसद होता है और उस मकसद को वहीं पर पूरा किया जा सकता है जो उसके लिए उचित स्थान हो। तो आश्रम की अपनी एक सीमा होती है, लिमिटेशंस होती हैं। यहाँ रह करके मुझे लगा कि मैं अपना विकास उसी अबाध गति से नहीं कर पाऊंगा जो मुझे करने की आवश्यकता है। तो सुबह उठ करके मैं महंत जी से मिला और महंत जी को मैंने अपना एक नया प्रस्ताव दिया। मैंने कहा कि महंत जी ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ रह करके और क्लास जाऊं, उससे बेहतर हो कि मैं अपने हॉस्टल में रहूं और रोज सुबह आ करके और यहाँ पर मैं रुद्राभिषेक कर दिया करूं। तो उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छी बात है, हम आपको लोकल ट्रेन का फर्स्ट क्लास का पास भी देंगे और आने जाने में जो भी खर्चा है वो भी देंगे, प्लस हम आपको एक अमुक धनराशि भी देंगे महीने में, तो आप आकर के सुबह यहाँ रुद्राभिषेक करके जाया करिए। मुझे भी ये बीच वाला रास्ता ठीक लगा क्योंकि जब मैं हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करूंगा तो मुझे अपने एक्सपेंसेस के लिए पैसे भी चाहिए रहेंगे, तो मुझे लगा कि चलो ये बहुत अच्छा है कि मैं डेली आकर के यहाँ रुद्राभिषेक कर दूंगा और मुझे मेरे अपने खर्चे के लिए पैसे भी यहाँ से निकल जाएंगे और बाकी टाइम जो बचेगा उसमें मैं अपना क्लास करूंगा, पढ़ाई वगैरह करूंगा, जैसे भी होगा आगे की जिंदगी थोड़ा बेहतर ढंग से शुरू कर सकूंगा। तो ऐसा करके मैंने अपना पूरा सामान वगैरह पैक किया। तो मित्रों जब मैं आश्रम से चलने लगा तो महंत जी ने मुझे 3100 रुपए दिए और उन्होंने कहा कि ये है आपके 11 दिन के रुद्राभिषेक की दक्षिणा। तो मैं अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का धन्यवाद किया। तो मित्रों इस प्रकार से शुरू हुआ मुंबई में हमारा छात्रावासीय जीवन। और जब एक बार एडमिशन वगैरह हो गया तो हमने अपने गुरुकुल के मित्रों को भी पत्र लिख करके सारी बातें सूचित की। वहां से भी पत्र आए और सभी मित्रों ने हमसे आग्रह किया कि हमें गुरुकुल में वापस लौट आना चाहिए। और कुछ दिनों के बाद में धनंजय पांडे का भी पत्र आया और उन्होंने भी सारी बातों से अवगत करवाया मुझे आश्रम की और बताया कि सब तरह से शांति है। लेकिन उनके पत्र में एक और खास बात मेंशन थी, वो ये कि हमारे पूरे बैच का ट्रांसफर हो गया था। जी हाँ, हम लोग लगभग 125 स्टूडेंट्स थे अपने बैच में, तो सभी का ट्रांसफर हो गया था बुधनी से पचमढ़ी। पचमढ़ी मित्रों मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन है और बहुत ही खूबसूरत जगह है और मौसम के हिसाब से, वेदर के हिसाब से भी बहुत ही अच्छी जगह है। लोग बताते हैं कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी हुआ करती थी अंग्रेजों के टाइम पर, तो गर्मियों में पचमढ़ी में अंग्रेज लोग शिफ्ट कर दिया करते थे क्योंकि गर्मियों में भी वहां का जो टेम्परेचर है वो काफी कंट्रोल रहता है, हिली एरिया है पूरा, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो धनंजय पांडे ने बताया कि हम लोगों का वहां ट्रांसफर हो गया है पूरे बैच का, तो आपको वहीं आना चाहिए और डायरेक्ट ज्वाइनिंग करनी चाहिए। तो मन में कई बार विचार तो आया कि वापस चले जाएं, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं,
अब मुंबई में जब एक बार जीवन शुरू हुआ है तो यहीं रह करके और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब गुरुकुल से कई लोगों के पत्र आए तो थोड़ी देर के लिए तो मेरा भी मन विचलित हुआ, लेकिन मुझसे ज्यादा भीमसेन का मन विचलित हुआ। क्योंकि जब आप नए शहर में होते हैं तो नए शहर के अपने चैलेंजेस होते हैं, बड़े शहर की अपनी संभावनाएं बड़ी होती हैं, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष भी होता है। और इन पत्रों ने मेरे मन में तो कोई ज्यादा उद्विग्नता पैदा नहीं की, लेकिन भीमसेन के मन को कमजोर कर दिया और उनका मन नहीं लगने लगा मुंबई में। तो एक दिन बैठ करके मेरे साथ में उन्होंने डिस्कशन किया और उन्होंने कहा कि क्या करें, हम लोगों को लौट करके फिर से गुरुकुल में चले जाना चाहिए या यहीं रुकना चाहिए। यद्यपि मैंने उनको परामर्श दिया कि देखो, मुंबई में हो सकता है शुरुआती दिनों में अपने को उतना अच्छा ना लगे, या बहुत सारी संभावनाएं हैं जो अभी हम तत्काल उनको अचीव ना कर सकें, लेकिन अगर आप पूरे जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो मुंबई ज्यादा व्यवस्थित जगह है। कई तरह से मैंने उनको समझाने का प्रयत्न किया, क्योंकि भीमसेन जी जब गुरुकुल भी आए थे तो भी उनका शुरू के एक दो महीने वहां पर मन नहीं लग रहा था, तो उस वक्त वो मेरे पास आया करते थे और मैंने ही उनको बार बार कह कह करके समझा समझा करके और गुरुकुल में रोका था। अब एक बार फिर से उनका मन गुरुकुल में जाने का हो रहा था, क्योंकि गुरुकुल में हर तरह की सुविधा थी, कोई स्ट्रगल नहीं था। मुंबई में अभी हमें पैर जमाने थे, मुंबई में हमें अभी रुकना था, संघर्ष करना था। तो यहां एक संघर्ष से युक्त जीवन था और गुरुकुल का जीवन काफी सुविधामय हो गया था, क्योंकि जो संघर्ष का शुरुआती पड़ाव है वो हम सब लोग पार कर चुके थे। तो भीमसेन के मन में ये विचार रह रह करके आने लगा कि मुझे गुरुकुल लौट जाना चाहिए। तो एक दिन बहुत गंभीरता पूर्वक उन्होंने मुझे बताया कि मुझे एकदम यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है और पांडे जी आप बताएं कि क्या करना चाहिए। तो मुझे लगा किसी को जबरदस्ती रोक करके रखना ठीक नहीं है, और अगर भीमसेन जी को लगता है कि गुरुकुल ही उनके लिए सही स्थान है तो इनको लौट जाने देना चाहिए। तो मैंने फिर कहा कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि गुरुकुल जाना है आपको वापस, तो जाइए। फिर मैंने उनकी टिकट की व्यवस्था वगैरह करवा करके और वापस भेज दिया। तो इस प्रकार से भीमसेन जी भी वापस लौट गए और अब मुंबई में मैं बचा अकेला। मुंबई का मेरा जीवन काफी ठीक सा हो गया था, क्योंकि मेरे पास में रहने के लिए हॉस्टल था और मेरी अपनी पढ़ाई भी चल रही थी, और अर्ली मॉर्निंग में उठ करके मालाड चला जाता था और रुद्राभिषेक करके आता था, तो मेरे पास में एक अर्निंग का सोर्स भी था। तो कई चीजें जो एक साथ किसी भी शहर में कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हो, वो शुरुआती दिनों में मेरे पास में थी और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ थोड़ी बेहतर ढंग से चल रही थी। और अगर देखा जाए तो गुरुकुल से कहीं बेहतर इनकम भी थी मेरी और मुझे काफी मित्र भी मिल गए थे, और मुझे लगा कि मैंने जो निर्णय लिया मुंबई आने का, शायद कहीं तक किसी हद तक मैंने ठीक निर्णय ले लिया और सही टाइम पर ले लिया। तो मुंबई का जीवन व्यवस्थित ढंग से चल रहा था कि अचानक एक दिन मेरे बड़े ब्रदर के एक मित्र मुझसे मिलने आए। वो थे मुंबई वीटी में आरपीएफ में इंस्पेक्टर। तो भाई साहब ने उनको भेजा था ये देखने के लिए कि मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है। तो उन्होंने मुझे वहां पर आकर के देखा तो वो संतुष्ट हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं चाहूं तो, उनको पुलिस क्वार्टर मिला हुआ था माटुंगा में और वो अभी तक अनमैरिड थे, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं चाहूं तो मैं उनके साथ रह सकता हूं और वहां से आके अपना कॉलेज अटेंड कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगा कि हॉस्टल में रहना ज्यादा ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा आना जाना हो जाएगा, मुझे डेली अभिषेक करने भी जाना पड़ता है और फिर यहाँ पे भी पढ़ाई वगैरह। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा नहीं मैं यहीं पर ठीक हूँ और आपसे मिलता जुलता रहूंगा। तो अब मेरे पास में दो जगहें थी, एक तो आश्रम था जहां मैं लगभग डेली जाया करता था, और प्लस भाई साहब भी थे, क्योंकि ये मेरे बड़े भाई साहब के मित्र थे तो मेरे लिए बड़े भाई जैसे ही थे, और सचमुच उनका मुझ पर बहुत स्नेह था। तो अब मैं सैटरडे संडेज में इनसे मिलने चला जाया करता था, तो इनके साथ भी कहीं हम घूमने चले जाते थे। तो ओवरऑल मुंबई का जो जीवन है वो काफी बेहतर ढंग से मेरा चल रहा था। फिर आई दिवाली, और दिवाली की लगभग 20 दिन की वेकेशंस होती थी, तो सभी तो नहीं लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने अपने घर जाया करते थे। तो जब मैंने देखा कि हॉस्टल में काफी कम स्टूडेंट्स रह गए हैं और लगभग सभी लोग जाने वाले हैं, तो मुझे लगा कि देखता हूं अगर मुझे ट्रेन का टिकट मिल जाता है तो मैं भी अपने घर होकर के आता हूं। और आप सब लोगों को पता होगा जो लोग मुंबई से परिचित हैं कि वेकेशंस के टाइम पर टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन तब मैंने जो मेरे ब्रदर के दोस्त थे बॉम्बे बीटी में इंस्पेक्टर, तो उनसे जाकर के मैं मिला और मैंने कहा कि मुझे कल गांव जाना है, तो वो हंसने लगे और बोले तुम्हें पता है इतनी जल्दी टिकट नहीं मिल सकती। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा देखता हूँ मैं, और पता नहीं कैसे लेकिन उन्होंने इंतजाम कर दिया, मेरा एक टिकट का रिजर्वेशन उन्होंने करवा दिया। तो मैं दूसरे दिन ट्रेन पकड़ करके और जा रहा था इलाहाबाद। मेरी ट्रेन पहुंची इटारसी, और जब मैं इटारसी पहुंचा तो मुझे अपने पुराने दिनों की याद आने लगी, क्योंकि इटारसी उतर करके ही हम अपने गुरुकुल जाया करते थे। और ये एक संयोग ही था कि उस वक्त टीसी हमारे ही कंपार्टमेंट में था,
मैंने जाकर के टीसी से बात की और मैंने पूछा कि अगर मुझे पचमढ़ी जाना हो तो कहाँ उतरना चाहिए। तो उसने बताया पिपरिया उतरना चाहिए। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या ये ट्रेन पिपरिया जाएगी और रुकेगी पिपरिया में, तो उसने कहा ये ट्रेन जाएगी भी रुकेगी भी। तो टीसी ने मुझे बताया कि मैं 24 घंटे के लिए ब्रेक जर्नी कर सकता हूँ, मैं पिपरिया उतर करके और दूसरे दिन फिर इसी ट्रेन को पकड़ सकता हूँ, यही टिकट वैलिड रहेगा और मैं इससे इलाहाबाद तक जा सकता हूँ। तो इटारसी से लेकर के और पिपरिया तक के बीच में जो भी टाइम लगा रहा हो, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं कितना समय लगा, लेकिन मेरा मन बहुत उद्वेलित हुआ कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, ये बड़ी तेजी से विचार आने लगे। फिर मुझे लगा कि जब 24 घंटे की ही बात है, चलो एक बार जाकर के अपने सभी मित्रों से मिलकर के आ जाता हूं, क्योंकि जिंदगी का भरोसा नहीं है इसके बाद मैं उनसे मुलाकात कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं है जीवन का, तो नहीं होता तो मेरे पास में चांस है जाकर के और दोस्तों से मिलकर के आ जाता हूँ 24 घंटे में। स्पेशली धनंजय पांडे और ये जो मेरे क्लोज फ्रेंड थे, तो सारे लोग पचमढ़ी आ चुके थे, तो मुझे लगा कि ब्रेक जर्नी कर लेनी चाहिए। तो मैंने टीसी से जाकर के बोला कि मेरी टिकट में आप ये चीजें मेंशन कर दें। टीसी ने मेरी टिकट में ब्रेक जर्नी मेंशन कर दी और मैं पिपरिया उतर गया और पिपरिया से उतर करके और मैंने बस पकड़ी और मैं पहुंच गया पचमढ़ी। उस टाइम पर पचमढ़ी बहुत खूबसूरत था, हिल के ऊपर बसा हुआ एक छोटा सा शहर, बहुत ही प्यारा लगता था, बहुत ही मनोरम दृश्य था और हमारा गुरुकुल भी बहुत सुंदर था। पचमढ़ी के गुरुकुल की जो व्यवस्था थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, यहाँ 2-seaters रूम थे। धनंजय पांडे ने पहले ही आकर के ज्वाइन कर लिया था, तो मैं धनंजय के रूम में ठहरा था, तो सबको पता चला कि मैं आया हूं, तो लगभग सभी लोग मुझसे मिलने 4-5 घंटों में आ गए, लेकिन भीमसेन जी नहीं आए। ये मुझे अकवर्ड लगा, हालांकि धनंजय पांडे से मुझे पता चला कि भीमसेन जी यहीं पर हैं और कभी कभी उनसे मिलते हैं, तो उनमें थोड़ा सा बदलाव भी आया है। कई बातें मुझे पता चली वहां धनंजय पांडे से और भी लोगों से कि भीमसेन जी में कुछ परिवर्तन आया है। 5-6 घंटे बीतने के बाद में एक प्रभारी का भेजा हुआ आदेशपाल मेरे पास में आया। उसने आकर के मुझे सूचित किया कि प्रभारी जी और मुख्याचार्य आदि सभी लोग ऑफिस में बैठे हैं और आपको उन्होंने बुलवाया है ऑफिस में। तो मुझे लगा कि भाई मुझे क्यों बुलाया, मैं तो वैसे भी कोई ज्वाइनिंग करने के मूड में आया नहीं था, मैं तो ब्रेक जर्नी मैंने किया था, तो मुझे लगा कि शायद उनको नहीं पता होगी ये बात, तो इसलिए बुलाया। तो मैंने कहा चलो मैं आता हूं। तो मैं और धनंजय और एक दो मित्र और हो लिए मेरे साथ में, 4-5 लोग हम ऑफिस गए। तो ऑफिस में जाकर के मैंने देखा कि प्रभारी उप प्रभारी बैठे हुए हैं सामने, मुख्याचार्य बैठे हुए हैं, 2-3 और अधिकारीगण बैठे हैं और साथ में भीमसेन जी भी बैठे थे। तो वहां जाकर के प्रभारी से बातचीत हुई, उन्होंने हाल समाचार पूछे और इसके बाद में उन्होंने बताया कि ऑफिस बंद होने वाला था, तो मुझे लगा कि आपको बुला करके ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटी पूरी करवा लेता हूं, नहीं तो फिर कल तक के लिए ऑफिस बंद हो जाएगा और अगर आप बाद में आएंगे तो दिक्कत होगी। हालांकि यहां इस मुकाम तक तो मेरा मन नहीं था कि मैं ज्वाइन करूंगा, मेरा मूड ही नहीं था, मुझे तो घर जाना था। तो उस बातचीत में मुझे 2-3 बातें कुछ इस प्रकार की लगी जो निहायत ही मेरी निजी थी। मुझे ऐसा लगा कि ये भीमसेन जी ने इन लोगों को बताया होगा, जो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर बातचीत के दौरान प्रभारी जी ने एक बात कही, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से एक धमकी दी। उन्होंने कहा कि देखिए ये बुदनी नहीं है, ये है पचमढ़ी, यहाँ पर वो सब नहीं चलेगा जो आप बुधनी में करते आए हैं। तो मैंने कहा क्या करते आए हैं बुधनी में? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, बस आप ध्यान रखिएगा कि ये बुधनी नहीं है, पचमढ़ी है और यहाँ के प्रभारी हम हैं। तब तक मित्रों मेरे मन में 1% भी ये बात नहीं थी कि मुझे यहाँ पर रुकना है या कंटिन्यू करना है। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही और चूंकि इस बातचीत के दरमियान 2-4 बातें ऐसी मुझे लगी जिसमें मुझे थोड़ी सी राजनीति की बू आ रही थी, वो उम्र थोड़ी सी अति उत्साह वाली होती है और थोड़ा जोश भी ज्यादा था, ऊपर से धनंजय व अन्य मित्रों ने भी जो 4-5 घंटे में मुझे फीडबैक दिया था इस पूरे 1-2-3 महीने का, तो वो सब कुछ था ही मेरे दिमाग में। ऊपर से जब प्रभारी ने इस प्रकार की बातचीत की तो बहुत ज्यादा राजनैतिक लगा मुझे सब कुछ। एक मन तो मुझे कह रहा था इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अपना चुपचाप गांव जाओ, गांव से वापस मुंबई में जाओ और जो जीवन अपना शुरू करना है उसको देखो जाकर के। लेकिन गुरुकुल से मेरा चूंकि पिछले कई वर्षों का इतना गहरा संबंध था और अपने मित्रों के साथ में और यहाँ की नई जो डेवलपमेंट थी उसमें इस प्रकार से प्रभारी जी का कहा जाना, वो सारी चीजें मिला करके वो तत्काल में, और वो एक उम्र भी युवा अवस्था होती है जिसमें आप थोड़े जोश में भी काम करते हैं तो कई बार आप अपना होश खो देते हैं, तो मुझे लगा कि ये मुझे धमकी दे रहे हैं। तो धमकी के बदले में फिर पीछे हट जाना तो अच्छी बात नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद भीमसेन जी ने इनको हमारी जो बहुत सारी बातें होती हैं अंदरूनी, जो हम बुधनी में करते थे, जो मेरे साथ में मुंबई में थे उस वक्त भी, जब आप
साथ में होते हैं कोई दो लोग तो फिर बहुत सारी चीजें हैं जो आपस में शेयर होती हैं। तो मुझे लगा ये सारी चीजें इन्होंने इनको बता दी हैं और जिसके कारण ये अब हमको धमकी दे रहे हैं। तो कोई इरादा ना होते हुए मित्रों, आप लोगों को तो पता है अब तक की कहानी में कि ऐसा कुछ था ही नहीं कि मुझे यहां पर फिर से ज्वाइन करना चाहिए था, लेकिन जब ये लाइन प्रभारी जी ने कही तो मुझे लगा कि चलो एक गेम और खेलते हैं। और तब मैंने कहा प्रभारी जी से, मैंने कहा प्रभारी जी अभी तक एक पल पहले तक मैं बिल्कुल निश्चित रूप से यह तय कर चुका था कि मुझे दोबारा ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि मेरी अपनी मंजिल और मेरा रास्ता सब कुछ अलग हो चुका था। लेकिन यह जो आपने लाइन प्रयोग की है कि यहां पर वो सब कुछ मत कीजिएगा जो आप बुधनी में करते थे, क्योंकि ये पचमढ़ी है और यहां के प्रभारी आप हैं, तो अब मैं ज्वाइन करूंगा। ये कहते हुए मैंने वहां पर ज्वाइनिंग दे दी। और जैसे ही मैंने ज्वाइनिंग दी, मेरे साथ के खड़े हुए सारे मित्र बहुत खुश हुए। और जाते टाइम मैंने भीमसेन से कहा, भीमसेन जी आप मिलने नहीं आए, समय मिले तो शाम तक आइए मिलने। तो लगभग डेढ़ दो घंटे के बाद में भीमसेन जी मुझसे मिलने आए, और उस वक्त मेरे कक्ष में लगभग चार पांच लोग और भी बैठे हुए थे। तो भीमसेन जी तब तक में चार पांच गलतियां कर चुके थे। मैंने उस वक्त उन गलतियों पे कोई रिएक्शंस नहीं दिए थे, लेकिन मेरे दिमाग में वो सारी बातें थी मुंबई से लेकर के और यहां तक में, क्योंकि मुंबई में मैं भीमसेन जी के साथ में किसी भी प्रकार से कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि भीमसेन जी मेरे साथ गए थे तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सही स्थान और वक्त नहीं है। और शायद भीमसेन जी मेरे साथ मुंबई रहे होते तो मैं कभी जीवन में उनसे इस प्रकार के प्रश्न करता भी नहीं। लेकिन यहां गुरुकुल में आने के बाद में, क्योंकि भीमसेन जी के विषय में और भी कई बातें मित्रों के द्वारा पता चली थी, और इस प्रकार से चार पांच घंटे मुझे बीत चुके थे गुरुकुल में और ये मुझसे मिलने भी नहीं आए थे। ऑफिस में वो जिस प्रकार से मुख्याचार्य और प्रभारी के साथ बैठे हुए थे, तो सारा चरित्र मुझे थोड़ा सा समझ में आ गया था। तो मुझे लगा कि इनको डायरेक्ट बुला करके इधर उधर की बातों में न पड़ करके डायरेक्ट इनसे मुझे बातचीत करनी चाहिए। तो मैंने भीमसेन जी से एक एक पॉइंट पर बातचीत करनी शुरू की, प्रश्न किए, और भीमसेन जी पता नहीं किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं दे रहे थे। ऐसा होता ना जैसे आप कभी किसी बहुत घमंड में हो, किसी गुरूर में हो। तो भीमसेन जी मतलब इसके पहले कभी उन्होंने इस प्रकार से बातचीत नहीं की थी। हर बात का उल्टा सीधा जवाब दे रहे थे। उस वक्त रूम में मेरे अलावा पांच छह और लोग भी बैठे हुए थे, दो तीन तो पुराने थे लेकिन दो तीन नए लोग थे जो यहां के पहले से पचमढ़ी के लोग थे, और सबको पता था कि भीमसेन जी हमारे ग्रुप के हैं और भीमसेन जी मेरे मित्र हैं, मेरे साथ मुंबई गए थे। तो जब भीमसेन जी हर चीज का उल्टा सीधा जवाब दे रहे थे तो थोड़ा सा एम्बेरसिंग भी लग रहा था मुझे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हुआ क्या है। तो हुआ यह था कि असल में जब भीमसेन जी ने पचमढ़ी में आके ज्वाइनिंग की थी तो यहां के जो मुख्याचार्य थे वो उनके गांव के थे। तो भीमसेन जी को अचानक एक बहुत बड़ा बैकअप मिला था, बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया था, और मुख्याचार्य जी इनको यूज कर रहे थे और ये मुख्याचार्य जी को यूज कर रहे थे। हालांकि अपने मित्रों के साथ में किसी भी प्रकार से ऐसी बातचीत करने की कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन भीमसेन जी को लगा कि अब मेरे हाथ में मुख्याचार्य हैं, और मुख्याचार्य क्योंकि इनके साथ में है तो प्रभारी वगैरह सारे मतलब जितने भी अधिकारी गण हैं वो भीमसेन जी के साथ में, तो भीमसेन को ऐसा लगा कि अब वो आश्रम में लीडर बन गए हैं, तो उनको दूसरा कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति अच्छा नहीं लगता था। तो होता है कभी कभी ये गलतफहमियां हो जाती हैं। तो भीमसेन जी जब हर चीज का उल्टा सीधा जवाब दे रहे थे तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है भीमसेन कि अब आपको हमारे ग्रुप में नहीं रहना है। तो बोला ग्रुप को तुम्हारी ये बोली पांडे जी वो तो मैं कब का छोड़ चुका हूँ। तो मैंने कहा अच्छा तो अब आप क्या करना चाहते हैं। तो बोले करना क्या, जो मेरी मर्जी है मैं वो कर रहा हूँ। हाँ अब जब आपने बुलाया ही है तो मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रकार से दोबारा मुझे आप मत बुलाइएगा क्योंकि मैं आऊंगा नहीं आपके पास। मैंने कहा ठीक है मत आइए भाई, आपकी इच्छा है। तो मैंने उनसे बड़े सरलता से ये बात पूछी। मैंने कहा भीमसेन जी हम लोगों से कोई गलती हो गई है, आप इतने हम लोगों से नाराज क्यों हैं। बोले नाराज नहीं हूं लेकिन जंगल में शेर एक ही रह सकता है। तो मैंने कहा शेर एक ही रह सकता है क्या मतलब है। बोले नहीं अब आप आ गए हैं तो अब आप अपने आप को लीडर समझेंगे। मैंने कहा नहीं मैंने कभी अपने आप को लीडर वगैरह नहीं समझा है, लेकिन आप तो मेरे मित्र हैं, अगर मैं शेर हूं तो आप सवा शेर हैं। मैंने हास्य प्रयास के मूड में कहा। बोले नहीं इस बात को आप मजाक में मत लीजिए पांडे जी, और बोले यहां का शेर मैं हूं, आप इन लोगों से पूछ लीजिए। तो सब लोग चुप थे। मैंने कहा भीमसेन जी हम में से किसी से कोई गलती हो गई है क्या आपके साथ में, आप इतने नाराज क्यों लग रहे हैं। तो भीमसेन जी ने छूटते ही एक बात कही, बोले वो सब बातें छोड़िए लेकिन अब आज के बाद में आपकी नेता निगरी यहां नहीं चलने पाएगी। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं भीमसेन जी।
नेता नगरी नहीं चलने पाएगी, मैंने आपके साथ में क्या नेता नगरी की। बोले नहीं, इस बात को आप चेतावनी के रूप में रखिएगा कि अगर आपने जरा सी भी नेतागिरी करने की कोशिश की तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। और ये उन्होंने जिस लहजे में बात कही वो अब इतना तो समझ में सबको आ जाता है कि वो बड़ा बदतमीजी वाला था। तो मैंने कहा, भीमसेन तुम बदतमीजी से बात कर रहे हो मुझसे? तो बोले आप इसे बदतमीजी समझिए, जो कुछ भी समझिए, ये चेतावनी दे रहा हूं मैं आपको। तो इतना जब उन्होंने कहा मैं चेतावनी दे रहा हूं आपको, तो मित्रों एक पल, कुछ मामलों में मुझे समय नहीं लगता है निश्चित करने में कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे लगा भीमसेन जी के साथ में जितना पोलाइट हुआ जा सकता था, जितनी सरलता से बातचीत की जा सकती थी, वो सब कुछ किया जा चुका है। और अब भीमसेन जी करने लग गए हैं बदतमीजी। अकेले में शायद ये बात कर रहे होते तो मैं फिर भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि जब चार छह लोग बैठे हुए हैं तो आपकी भी अपनी मर्यादा होती है। तो भीमसेन जी की इस तरह की बातचीत की जो स्टाइल थी वो सचमुच काफी दुखद थी और खेदपूर्ण थी, मुझे बुरा लगा। मैंने कहा, भीमसेन तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और अगर तुमने मेरे साथ में इस तरह से बातचीत की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तो भीमसेन जी ने कहा, आपकी परवाह कौन करता है? तो थोड़ा सा मुझे भी गुस्सा आ गया। तो मैंने कहा, भीमसेन अगर तुम मुझसे इस तरह से बदतमीजी करोगे तो मुझे पता है कि मुख्याचार्य तुम्हारे गांव के हैं, लेकिन वो भी तुमको बचा नहीं पाएंगे, 24 घंटे के अंदर मैं तुमको आश्रम से निकाल दूंगा। भीमसेन जी ने बड़ी जोर से ठहाका लगाया और बोले, आपकी औकात है मुझे निकाल देने की? ये जो औकात शब्द उन्होंने बोला, तो मैंने भीमसेन को दिखाया, मैंने कहा, देखो घड़ी में 5:30 बजे हैं और कल 5:30 बजे से पहले मैं तुमको गुरुकुल से बाहर निकाल दूंगा। अगर तुमको मैं नहीं निकाल पाया तो मैं खुद निकल जाऊंगा। और भीमसेन जी चले गए और जाते जाते कह गए, 5:30 बजे का पांडे जी टाइम याद रखिएगा। भीमसेन जी के जाने के बाद रूम में एक गहरा सन्नाटा छा गया। तो दोस्तों इसके बाद क्या हुआ? दूसरे दिन 5:30 बजे से पहले क्या मैं भीमसेन को निकाल पाया या मुझे स्वयं गुरुकुल से निकलना पड़ा? क्या हुआ ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसके बाद का वीडियो। तो बने रहिए इसी प्रकार से मेरे साथ में और देखते रहिए हमारे वीडियोस को। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को। फिर मिलता हूं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।